आपने जो 48 में रिफॉर्म्स का एक प्रोसेस शुरू हुआ उसकी बात की, और हम जानते हैं कि हर कुछ अरसे के बाद ये जिक्र चढ़ता है। भुट्टो साहब के जमाने में भी हुआ, फिर परवेज मुशर्रफ के जमाने में भी हुआ, आजकल भी हो रहा है। तो हर दौर में जब जब ये कोशिश हुई, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी बात आप उस पर करें कि वो किसने की, क्यों की और उसका क्या नतीजा निकला। देखिए, रिपोर्टें तो बहुत हुई इसमें। आई थिंक बेसिक थिंग जो आप जो जिसकी तरफ इशारा किया वो है कि रिफॉर्म ट्रिगर्स हैं जी, क्या चीज है जो रिफॉर्म को ट्रिगर करती है या उन एक्शंस को ट्रिगर करती है जिससे ये आगे से प्रोसेस जो है वो शुरू होते हैं। तो जो पहले हुए थे वो तो थे कि कंसेप्चुअली गवर्नमेंट वॉन्टेड टू नो के एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री हमें जाना किस तरफ है। तो वो पहले रिपोर्ट्स बनी जिसके ऊपर इतना अमल दरामद नहीं कोई, क्योंकि उस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी थी वो एक उसी लेगेसी में आ रही थी जो कि इनहेरिट किया था कॉलोनियल सिस्टम से। तो वो उसको तो किसी सूरत वो जो थी रिपोर्ट्स जो थी, जो हालांकि वो इतनी ज्यादा नहीं, तो बड़ी इनॉक्यूस किस्म की रिपोर्ट है। अगर आप उनकी डिटेल्स में जाएं शायद किसी और वक्त में ये छोड़ देते हैं कि एक एक रिपोर्ट जो थी, एगर रिपोर्ट में क्या आया था, ग्लैडो ने क्या आगे दिया था, लेकिन उनको इकट्ठे करके उन्होंने जो 1961 में जो पहला जो मेजर हुआ जो मार्शल लॉ यूपान थी उसके बीच में, तो उन्होंने वो कोटा सिस्टम जो था जो एक उस वक्त सीएसपी जो सर्विस थी उसको उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की और थोड़ा सा चेंज किया और रखा। मकसद सिर्फ यही था कि उस वक्त जो डिस्पेंसेशन है पॉलिटिकल वो अपना कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी पे कितना और सख्त कर सके, क्योंकि देखिए शुरू से ही जब सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी तो इवन जो डिस्ट्रिक्ट में बैठा ऑफिसर होता था, पहले वो एसपी होता था, डीसी होता था, जो फोर उस सूबे की गवर्नमेंट को जो था वो अकाउंटेबल नहीं था। वो जहां वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो उसके सारे मामला जो थे वो करती थी। सो दैट उसको कंट्रोल करने के जो एफर्ट्स जो थे वो ये पहले जो रिफॉर्म्स जिनको कहते हैं उसके बीच में आते रहे। असल जो बड़ा रिफॉर्म आया जिसने इसको पूरा रिस्ट्रक्चर किया वो था 1973 का, ठीक है, और उसके ऊपर हम कर सकते कि उसके भुट्टो साहब के दौर की हम बात कर रहे हैं जब कुछ ब्यूरोक्रेट्स को नौकरियों से फारिग भी किया गया। वो तो एक एलिमेंट था ना जी, लेकिन उन्होंने ये पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल उससे पहले अगर आप देखें तो जो पे स्केल्स थे वो पे स्केल वो अंग्रेज के वक्त के जिसके बीच में पहले कोवेनेंटेड नॉन कोवेनेंटेड अनकोवेनेंटेड सर्विसेज थी जो गेजेटेड नॉन गेजेटेड हुई, फिर स्केल्स डिफरेंट थे सीएसपी जूनियर सीएसपी सीनियर और उस तरह थे, और इस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट के स्केल्स डिफरेंट थे, इनकम टैक्स जिसको थी उसके डिफरेंट थे। उसको उन्होंने स्केल्स को बाई स्केल में ठीक है लोअर से लेके ऊपर तक यूनिफॉर्म कर दिया। ओके, सो ये उसकी वजह से डिस्पैरिटी तो खत्म हुई होगी जो मुख्तलिफ ग्रुप्स यूनिफॉर्मिटी ले, बिकॉज देन गवर्नमेंट सेड कि हम एक इगैलिटेरियन गवर्नमेंट है, एक इगैलिटेरियन डिस्पेंसेशन को ला रहे हैं। तो ये के बीच में जो क्लास स्ट्रक्चर्स हैं ब्यूरोक्रेसी में वी वुड डू अवे विद दिस, ठीक है। सीएसपी को उन्होंने खत्म कर दिया, रिक्रूटमेंट जो थी वो सेंट्रलाइज हो गई, सारी सारी सर्विस जिनको वो 12 ग्रुप उसको 13 थे बाद में 12 वो ग्रुप्स बने, ट्रेनिंग जो अलग अलग होती थी अपनी साइलोस में होती थी उनको उन्होंने इकट्ठे करके कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जो आज तक चल रहे, और उसके बाद भी जो था फिर उन्होंने जो प्रमोशंस जो थी उसमें एक टाइम फ्रेम जो था वो दे दिया, फिर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था उसके बीच में उन्होंने मैनुअल लेबर की और दूसरी चीज़ों की जो थी वो इंट्रोडक्शन की ताकि लोगों को जो था एहसास हो कि काम लोग क्या करते हैं। और एक एलिमेंट उन्होंने इस होल को तोड़ने करने के लिए कि एक जो था जर्नलिस्ट कार्डर जो है वो उसमें कई स्पेशलाइज कार्डर असाइनमेंट्स है उसमें क्यों जाए, तो उन्होंने स्पेशलाइज कार्डर के लगाने के लिए एक लेटरल एंट्रेंट जो था एक जो टेक्नोक्रेट्स का वो शुरू किया। सो दीज रिफॉर्म्स वर मोर और लेस यू नो अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है।